तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो भाइयों, अहमदाबाद उदयपुर रेल मार्ग को बड़ी खुशखबरी और दी जो है जाने जा रही है, क्योंकि दो जोड़ी नई ट्रेनें फिर से तैयार हो रही है इस रूट पर चलने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना है, हम बात करने वाले हैं दोस्तों वाया सरवा हिम्मतनगर डूंगरपुर खरवा चंदा के रास्ते चलने वाली दो और ट्रेनों के बारे में। अभी तो आप सभी को पता है कि अभी कौन सी ट्रेन चल रही है, अहमदाबाद उदयपुर को जोड़ने के लिए एक जोड़ी ट्रेन को चलाया जा रहा है, जो कि लगभग इस ट्रेन को परमानेंट कर दिया गया है, पर डे चल रही है, लोगों को उसका फ़ायदा जो है मिलना भी स्टार्ट जो है किया जा सका है। इसके अलावा भाइयों, इसके अलावा जो है ना, जो अगला दिन रहने वाला है, मतलब अगला एक से दो हफ्ते या दोस्तों 15 दिन या 20 दिन, उसके बाद जो है यहाँ पर एक और जोड़ी ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि अहमदाबाद उदयपुर के मध्य ही चलाई जाएगी। मतलब इस तरह से कुछ समय रखने वाला है कि आप अगर सुबह और शाम, जी हाँ दोस्तों, असरवा से सुबह भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, शाम को भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है उदयपुर से शाम और सुबह दोनों जगह, मतलब अर्ली मॉर्निंग अर्ली नाइट, आप लोग दोनों स्टेशन से इस ट्रेन का फायदा जो है उठा सकते हैं। इसका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ जो है भारतीय रेलवे ने पहले ही लॉन्च जो है कर दिया है। तो यह तो हो गई पहली ट्रेन जिसको अभी एक जोड़ी ट्रेन में यह चीज़ शामिल हो चुकी है। इसके अलावा आई जो दूसरी ट्रेन है जयपुर वाली ट्रेन, जिसको अभी हाल ही में टेक्निकल प्रॉब्लम बनाकर इसको रद्द जो है कर दिया गया, लेकिन भारतीय रेलवे ने कहा है कि इसको जो है जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और इसकी सर्विस को लेकर जल्दी घोषणा जो है कर दी जाएगी। तो आपको बताते चलो कि अभी हाल ही में यहाँ पर इस चीज़ का टाइम टेबल, इनॉग्रेशन वगैरह सब कुछ निकाला जा चुका था, मगर एंड मौके पर दोस्तों एक दिन पहले ही इसकी इनॉग्रेशन को रद्द जो है कर दिया गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई है, हो सकता है दोस्तों यहाँ पर रैक वगैरह की कमी हो, जिसकी वजह से इस चीज़ को जो है रद्द किया गया हो। हालांकि दोस्तों, जो अहमदाबाद की तरफ जो रैक असरवा के लिए प्रोवाइड किया गया, जो कि ट्रेन अभी चल रही है, उसका रैक बहुत ही शानदार है। आप उस रैक को यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे को चेन्नई, जो कि दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री जो कि LHB कोच का निर्माण किया करता है, उसने बिल्कुल ही नया कोच वेस्टर्न रेलवे ने इस रूट को दिया है। मतलब कोई भी पुराना कोच जो है यहाँ पर नहीं लगाया, बल्कि जो कोच उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ आया उसमें कुछ कोच जो है पुराने टाइप के मुझे भी दिखाई दिए हुए। तो ऐसे में हमारा जो कोच है बिल्कुल ही नया है, यहाँ पर रेल मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इन फ्यूचर जो है कोटा वाली ट्रेन भी इस रूट को दी जाएगी, उसके बारे में भी चर्चाएं चल रही है। चेन्नई के लिए भी टाइम टेबल आ चुका है, मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, बस जल्दी घोषणा होना बाकी है। तो सभी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे करके देने वाले। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपने असरवा उदयपुर इंटरसिटी में, भाई मतलब एक्सप्रेस ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है, तो आपका सफ़र कैसा रहा है आप लोग भी जरूर से कमेंट कीजिए। और दोस्तों, खान पान की सेवा को लेकर भी यहाँ पर चर्चा है जोरों पर है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेशनों पर स्टॉल वगैरह की सुविधाएं और पानी की पीने की सुविधाएं जो है अभी भी उपलब्ध जो है नहीं कराई गई है। फिलहाल ये सब चीज़ों के लिए जल्दी इस पर बने रहते हैं। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।